इस संसार में हर प्राणी को ये जरूर पता होगा कि शिव कौन है। इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवान शिव को ना जानता हो। सब जानते हैं, लेकिन शिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक पौराणिक कथा है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इस कथा में आपको शिव के अर्थ का मतलब मिलेगा। एक बार माता पार्वती और महादेव बैठे थे। माता पार्वती महादेव को देख रही थी और महादेव ध्यान में लीन थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उसी समय महादेव के मुख से तीन बार राम नाम शब्द निकला। माता पार्वती चकित होकर देखती है महादेव की तरफ कि महादेव किससे राम नाम कर रहे हैं। माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि आप किससे राम नाम कर रहे थे। महादेव जी मुस्कुराकर बोले और जवाब दिया कि हे देवी, इस संसार में जो भी प्राणी सच्चे मन से एक बार राम के नाम का जाप करता है, मैं उसके उत्तर में तीन बार राम नाम जप कर उसका जवाब देता हूँ। लेकिन मुझे सच्चे हृदय से लिया गया राम का नाम अति प्रिय है और वो प्राणी और भी प्रिय लगता है जो सच्चे हृदय से राम नाम जपवाता हो, और उससे भी अति प्रिय पार्वती मुझे वो मृत प्राणी का शव होता है जो राम नाम जिसके द्वारा लिया गया है। माता पार्वती ने आचार्य से कहा, क्यों महादेव, आपको मृत प्राणी का शव क्यों प्रिय है? महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, जब प्राणहीन जब प्राणी प्राणहीन हो जाता है तब लोग उसे घर से श्मशान तक लेकर आते हैं, और पार्वती जब लोग उसे घर से कंधा देते हैं और श्मशान घाट तक आते आते उनके जुबा पर एक ही शब्द होता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। और जब तक श्मशान तक आते आते यही उच्चारण होता है, उस समय का राम नाम शब्द हृदय से होता है। अब पार्वती बताओ, राम का नाम जाप जो किया किसकी वजह से हुआ? उस मृत प्राणी के शव की वजह से। इसलिए पार्वती, मुझे मृत प्राणी का शव अति प्रिय है। और पार्वती जब उस शव की अंतिम क्रियाएं हो जाती हैं और वो भस्म बन जाता है, फिर उस भस्म को मैं अपने शरीर पर धारण करता हूँ। अब देखो, जब तक हमारे शरीर में प्राण होते हैं, और प्राण क्या है? ईश्वर का अंश है। जब वह अंश निकल जाता है तो केवल शव बचता है, और उस शव को जो भी अपना ले उसे शिव कहते हैं। अब हमें इस कथा से यही सीख मिलती है, अगर हमें ईश्वर का विश्वास है तो शिव हमारे अंदर है, और अगर हमें ईश्वर का विश्वास नहीं है तो हमारे अंदर शिव नहीं है। अगर शिव में से ई निकल जाए तो केवल शव बचता है। ईश्वर में से अगर शिव में से ई निकल जाए तो केवल शव बचता है। लेकिन मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, उस शव की वजह से इतने लोगों ने राम का नाम जपा, वो शव मेरा प्यारा है, और जो ईश्वर
हर शव को अपना ले वही शिव कहलाता है। बोलो श्री हर हर महादेव की जय।